गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुरभ और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। ये आज का वीडियो है, ये मेरी लिस्ट में नहीं था। मेरे जो मैं पूरा कॉपी रेडी करती हूं कि ये वीडियो रेडी करूंगी, ये उसमें नहीं था। ये एक रैंडम वीडियो है, यानी कि जस्ट मैं किचन में आई थी और ठंड में जिस चीज़ का मैं यूज़ करती हूँ पूरे ठंड 3 से 4 महीने, जिससे कि मेरा वेट जो है लॉस होता है। गेन की तो बात छोड़िए, बहुत तेज़ी से लॉस होता है, मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, पसीना बहुत तेज़ी से निकलता है और पेट की स्वेलिंग को, पेट को, टमी फैट को स्पेशली, ये टारगेट मतलब टारगेटेड एरिया पे ये काम करता है और बैली फैट को बहुत अच्छे से कम करता है। बॉडी से ढूंढ ढूंढ के आपकी गंदगी निकालेगा, ढूंढ ढूंढ के चर्बी को गलाएगा, वजन बहुत तेज़ी से कम करेगा। तो जस्ट भाई मैं लेने आई थी तो मुझे लगा कि मैंने आज तक अभी आप लोगों से ये चीज़ नहीं शेयर की, कैसे मुझसे मिस हो गया इस चीज़ को लेके। तो जस्ट भाई मैं आई थी और चलिए दिखाती हूँ कि मैं किस चीज़ का पूरा जो है ठंड लेती हूँ। और जस्ट साथ ही साथ मैं चाय भी बना रही हूँ अपनी, तो चाय भी बन रही है और उस चीज़ को भी लेने में आई थी। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या ले और पूरी ठंड लेती हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ पूरे ठंड। मैं अभी आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें, एक्सप्लेन करूँगी कैसे लेना है। तो जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, वो पूछती हैं कि सुगम हमारे वेट लॉस के लिए क्या है। तो ये स्पेशली आप लोगों के भी वेट लॉस के लिए है, इसे आप भी ले सकते हो। क्योंकि ये हमारी दादी नानी के जमाने की चीज़ें हैं, जिसे जैसे जिससे पहले की जो हमारी मम्मियाँ थीं वो फिट रहती थीं, उन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी जितने की अब प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें तब की हैं और मुझे इसके बारे में बहुत बाद में पता चला था, लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी अच्छे से पहले से वेट लॉस किया है। जब मेरी प्रेगनेंसी के 4 महीने बाद से ही मैंने ये लेना स्टार्ट कर दिया था और 3 महीने में मतलब एक्सट्रीम वेट लॉस किया था। तो चलिए दिखाती हूँ क्या है, कैसे लेना है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मैं हैशटैग वुमेन हाइजीन पे इसे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो हाइजीन का नेक्स्ट पार्ट है एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश। क्योंकि जैसे कि आप अपने फेस के लिए अलग चीज़ लेते हैं, फुट क्रीम अलग लेते हैं, हैंड क्रीम अलग लेते हैं, ठीक है, आई क्रीम अलग लेते हैं, ठीक उसी तरह आपको वजाइना के लिए भी वॉश अलग लेना चाहिए। और ये इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि हमारा पीएच लेवल वहाँ का, यानी कि हमारी वजाइना का और हमारे दूसरे अदर पार्ट्स का पीएच बैलेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इसीलिए हमें उसके पीएच को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा इंटीमेट वॉश चाहिए, जो कि आप अपने पीरियड्स के दिनों में भी यूज़ कर सकते हैं और मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की वजह से वहाँ पर खुजली रहती है या फिर इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज मार्केट में बहुत ही सस्ता है ये, मतलब कि और देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये मतलब ये मैं आपको गिनती भी नहीं बता सकती ये कौन सी बॉटल किस कितने नंबर की ये बॉटल है। और हमेशा मैं इसी को यूज़ करती हूँ, पीएच बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा आपको, हर तरह से अच्छा है, 100% नेचुरल है और मतलब एक्स्ट्रा माइल्ड फॉर ऑल स्किन टाइप है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बोला कि जो मैंने अदर ब्रांड्स का देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी भी ब्रांड का, उसमें क्या होता है कि उसमें नेचुरल चीज़ें नहीं होती हैं और मुझे ये एक 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिला, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। और जो चीज़ पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ वही चीज़ मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ, इसीलिए कभी भी ऐसी चीज़ नहीं रिकमेंड करती हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिसकी मैं बात कर रही थी वो है अजवाइन वाटर, और इस समय इवनिंग है तो ये मेरा अजवाइन वाटर खत्म होने वाला है, वरना मैं
7 से 8 मतलब 10 ग्लास तक इसे बना के रखती हूँ। जो 250 ml का ग्लास होता है उसे मैं 10 से 12 ग्लास बना के रखती हूँ और इसी तरह भगोने में रखती हूँ। जितनी बार मुझे पीना होता है गैस ऑन करती हूँ, तुरंत हल्का सा गुनगुना करती हूँ, पी लेती हूँ। जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो जो मिल्टन की बॉटल आती है स्टील वाली, उसमें मैं अपना ये पानी भर लेती हूँ। इवन मतलब मैं पूरे ठंड नॉर्मल पानी नहीं पीती हूँ, सिर्फ यही पीती हूँ। अगर आप वैसे तो अगर एक बार आप ट्राई करिए कि अगर आपको नॉर्मल पानी पीने का मन हो तो आप ये वाला वाटर ले लीजिए, आपको नॉर्मल पानी पीने की इच्छा मर जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा है तो पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी देखिए मैंने पानी गर्म किया है, धुआं भी निकल रहा है, तो मैं जस्ट पीने ही जा रही थी और 10 से 12 ग्लास मैं पी लेती हूँ। बॉडी की स्वेलिंग बहुत अच्छे से जाएगी, आपकी वेट मतलब अमेजिंग वर्क करने वाला है आपकी बॉडी। और पूरे ठंड आपको लेना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठंड पूरे ठंड लेना है। आप चाहें तो इसमें दालचीनी का इतना बड़ा टुकड़ा डाल सकते हैं, आप चाहें तो इलायची कूट के डाल सकते हैं। इस तरह से भी ये वाटर बहुत अच्छा सा रहेगा। जैसे कि मैं क्या करूँगी, अभी एक हफ्ते मैं खाली अजवाइन वाटर लूँगी, देन उसके बाद इसमें मैं दालचीनी भी डालूंगी, मतलब इसी तरह से ये चीज़ें इसमें डालती जाऊँगी। तो आपको लेना है 10 से 12 ग्लास इसे लेना है, जो 250 ml वाटर आता है। और जैसे मैंने बोला था कि मेरी चाय भी बन रही है, तो मैं चाय पहले ये पानी पीऊँगी, देन उसके बाद ये चाय पीऊँगी। एक बार ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि अमेजिंग वर्क करेगा आपके उसमें। आप चाहें तो इसे अपनी कैटल में भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक कैटल में। आप चाहें तो इसे बॉटल में भर के रख सकते हैं। मुझे ये इसी इजी मेथड पड़ता है कि जस्ट आया, गर्म किया किचन में, कितनी बार आना जाना होता है, पी लिया। और हाँ, एक एक घंटे पे पानी पीजिएगा, एक साथ मत कोशिश करिए कि एक साथ मैं सारा पानी पी लूँ, नहीं। एक एक घंटे पे पानी पियेंगे तो वो वाकई आपकी बॉडी पे काम करेगा, वरना आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कितना सस्ता, कितना अच्छा, और आई थिंक बहुत से लोग इसे जानते भी होंगे, बेनिफिट्स भी जानते होंगे, लेकिन शायद आपके दिमाग से स्लिप हो गया हो। तो मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि ये भी एक तरीका है वेट लॉस का, काफ़ी अच्छा वेट लॉस का, काफ़ी अच्छा सा बॉडी से स्वेलिंग जाने का, मतलब बहुत ही अच्छा अमेजिंग वर्क करेगा आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन ग्लोइंग का। क्योंकि इसे एज अ डिटॉक्स वाटर भी बोलते हैं, और जो लोग भी फीड करवाते हैं ये, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट है कि आपके बच्चे को सर्दी नहीं होगी, दूध बहुत अच्छा उतरेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने लेने का तरीका भी बताया है कि किस तरह से लीजिएगा। वैसे ठंडा भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन पूरे ठंड आपको सिर्फ इसे पीना है 7 से 8 लीटर। मैं पीती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पेट बहुत अच्छा रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तब भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो भर भर के जो है फटाफट से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।